आज कुछ क्रिस्पी, कुछ स्पाइसी, कुछ मजेदार खाने का मन कर रहा है। अब भैया सिंपल सी बात है कि ये फेस्टिव टाइम में ना वेजिटेरियन बहुत खाते हैं। खैर मेरे साथ ऐसा सीन नहीं है, मैं खा लेता हूँ, लेकिन अगर वेजिटेरियन खाना हो, क्रिस्पी खाना हो, सही खाना हो और घर पे खाना हो तो इससे बढ़िया डिश नहीं। मतलब ये ना आप स्नैक्स में भी खा सकते हो, आप मेन कोर्स में भी खा सकते हो, लंच में भी खा सकते हो, डिनर में भी खा सकते हो, संडे को भी खा सकते हो, मंडे को भी खा सकते हो, कभी भी खा सकते हो। ये इतनी टेस्टी है कि एक पीस खा के ना कभी आदमी रुक ही नहीं पाता। क्रिस्पी पनीर है इसमें और नाम है इसका पनीर सॉल्ट एंड पेपर। बेस्ट पार्ट पता है क्या इस डिश का, कि आप पनीर की जगह बेबी कॉर्न डाल दो तो बेबी कॉर्न सॉल्ट एंड पेपर, उसकी जगह चिकन डाल दो तो चिकन सॉल्ट एंड पेपर, प्रॉन डाल दो तो प्रॉन सॉल्ट एंड पेपर। तरीका बनाने का बिल्कुल सेम है, जो मेन इंग्रेडिएंट है वो चेंज करो, डिश बदल जाएगी। तो आज मैं पनीर सॉल्ट एंड पेपर बना रहा हूँ आपके लिए, लेकिन आप चिकन, प्रॉन, बेबी कॉर्न, सोया चाप, वेज, कुछ भी सॉल्ट एंड पेपर बना सकते हैं, क्योंकि रेसिपी जो है ना इसे फॉलो करना बहुत जरूरी। शुरू करें, मराठी में कहते हैं शुरू करिया। चलो पनीर सॉल्ट एंड पेपर बनाने के लिए सबसे पहले पनीर को क्रिस्पी फ्राई करना होगा। मैं आपको बताता हूँ एक शॉर्ट शॉर्ट तरीका जिसका नाम है टेम्प्यूरा बैटर, है जापानी। अब उससे मैंने आपको पहले ही बताया था कि टेम्प्यूरा बैटर से आप पकोड़े बना सकते हैं, जापानी पकोड़े। बड़ा ही लाइट और क्रिस्पी बैटर होता है, सिंपल इंग्रेडिएंट से बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले टेम्प्यूरा बैटर बनाते हैं और फिर उसके बाद पनीर फ्राई करें। इक्वल क्वांटिटी ऑफ मैदा, कॉर्नफ्लावर एंड राइस फ्लावर। इसमें डालेंगे जी थोड़ा सा नमक और इसमें डालेंगे चिल्ड पानी। पहले थिक बैटर बनाएंगे और फिर उसे थिन कर देंगे। अब पनीर सॉल्ट एंड पेपर बन रहा है तो पेपर जा सकता है इसके अंदर थोड़ा सा। ड्रिंकिंग सोडा से बनाएंगे तो और बढ़िया बनेगा, ठंडे पानी से बनाएंगे तो भी बढ़िया बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब एक बार सारे लम्स निकल जाए तब इसमें डाल दो पानी, शीतल जल। ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बैटर की, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं। अब इसमें पैन में करेंगे तेल को गरम, डीप फ्राई करना है ना पनीर के। ना हमने लंबे लंबे ऐसे तिरछे बेटन्स काट लिए हैं, अब इसमें भी थोड़ा सा नमक। नमक का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नमक सोया सॉस में भी आएगा, नमक बैटर में भी है, सो मेक श्योर कि ज़्यादा नमक ना हो जाए। ये नमक सिर्फ इसलिए ताकि पनीर का जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है ना वो छूट जाए और जब ये फ्राई हो ना तो फिर वो फटफट ना करें। टेम्प्यूरा बैटर तैयार हो गया है। अब पनीर को अगर आपको सुपर क्रिस्पी करना है तो उसका एक ही तरीका है, कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर में कुछ भी चीज़ लपेट के फ्राई करोगे ना बढ़िया क्रिस्पी हो जाएगी। अब होगा क्या कि जो नमक की वजह से मॉइस्चर निकला ना पनीर का वो कॉर्नफ्लावर पकड़ लेगा और कॉर्नफ्लावर जो ये बैटर है ना उसे पकड़ लेगा। अब दो तरीके हैं, या तो बैटर में इसे डिप करो और फिर फ्राई करो, या फिर हल्का सा बैटर लेके ही इसे ही बिल्कुल लटपट बना के फ्राई कर दो। तो अगर क्लीन चाहिए तो अलग अलग। अब गर्मा गर्म तेल में ये कॉर्नफ्लावर में डूबी हुई फिंगर्स बैटर में डुबाई जाएं और उसे बढ़िया से क्रिस्पी फ्राई कर दिया जाए। अब बैटर लगाने के बाद जब फ्राई आप करते हैं ना तो देखते हैं कि कोई भी चीज़ है उसमें भाईचारा सडनली बहुत बढ़ जाता है, मतलब एक दूसरे चिपक जाते हैं। उन्हें अलग ज़रूर कर दीजिए, अलग करके क्रिस्पी क्रिस्पी ब्राउन ब्राउन एकदम बढ़िया से हार्ड हो जाएंगे वो। अब वो हार्ड हार्ड जो है यानी कि क्रिस्प क्रिस्प पनीर निकालने के लिए बिल्कुल तैयार। टेम्परेचर बंद एंड क्रिस्पी पनीर आउट ऑन अ टिश्यू पेपर। अब ज़रा आवाज़ पे गौर करिएगा, मतलब जो चीज़ क्रिस्प होती है वो चीज़ आवाज़ करती है और इसमें आवाज़ आई बढ़िया वाली। एक बार फिर से सुने,
ऐसा लग रहा है पत्थर उछल रहे हैं, लेकिन पत्थर नहीं है, क्रिस्प हो गया है तंपीरा बैटर की वजह से और वो कॉर्नफ्लावर की डस्ट की वजह से। अब इसे चिली पनीर बनाइए, अब इसे पनीर मंचूरियन बनाइए, अब इसे पनीर सॉल्ट एंड पेपर बनाइए, कुछ भी बनाइए, बढ़िया ही बनेगा, एकदम क्रिस्पी होना चाहिए। अब घर पे चाइनीज़ खाने बनाने के लिए आपको चाहिए गर्मा गर्म पैन, मतलब गैस पे ना उसको एकदम धुआं आने दो और फिर उसमें डालो तेल। धुआं आ रहा है, तेल जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब शुरुआत होगी जी खूब सारे चॉप गार्लिक के साथ। पनीर सॉल्ट एंड पेपर, चिकन सॉल्ट एंड पेपर, प्रॉन सॉल्ट एंड पेपर इज रादर ड्राई डिश, तो उसमें ना बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, ऑलमोस्ट बर्न्ड गार्लिक का फ्लेवर होता है। और उसके बाद जैसे ही गार्लिक ब्राउन होना शुरू हो, चॉप किए हुए बेल पेपर्स यानी कि रेड येलो ग्रीन, अगर आपके पास ग्रीन है तो ग्रीन डाल दो, तीनों है तो तीनों डाल दो। अब उसके साथ में पड़ेगी थोड़ी सी चॉप की हुई ग्रीन चिली, सॉल्ट और पेपर को एक साथ मिला लिया जाए, थोड़ा सॉल्ट ज़्यादा पेपर और ड्राई। नाक में चढ़ना चाहिए क्योंकि हाई हीट पे इसे टॉस किया जाएगा। अब साथ में हल्की सी रेड चिली की पेस्ट, अगर नहीं है तो थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर घोल के डाल दो, नो प्रॉब्लम, हल्की सी चिली सॉस डाल दो, नो प्रॉब्लम। अब इसमें जाएगा जी लाइट सोया सॉस, विनेगर एक चम्मच, दैट इज़ दी ओनली लिक्विड दैट इट गेट्स। और अब ये क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राइड पनीर चंक्स, साथ में थोड़ा सा चॉप स्प्रिंग अनियंस। अब इन सारे फ्लेवर्स को एक साथ घुलने मिलने दीजिए, नॉट टू बी कुक फॉर वेरी लॉन्ग, क्योंकि पनीर सॉगी नहीं होना चाहिए, बेल पेपर क्रिस्प रहने चाहिए और जो सारे फ्लेवर्स हैं वो एक साथ आ जाने चाहिए। थी ना बिल्कुल क्विक झटपट अमेजिंग सी रेसिपी। अब इसे करो प्लेटिंग एकदम 5-स्टार स्टाइल। और ये बाकी जो स्टर फ्राइड वेजीज हैं ये गई इसके ऊपर, थोड़ा सा और फ्रेश स्प्रिंग अनियन। भैया चाइनीज खाने में ना प्रिसिशन और ब्यूटी ये बहुत ज़रूरी है, और ये तो इंडो चाइनीज़ हो गया क्योंकि चाइना में पनीर तो मिलता नहीं। अब चाइना गया भाड़ में, ये इंडियन है भैया, पनीर सॉल्ट एंड पेपर इंडियन है, इंडियन ने बनाई है, इंडिया में बनाई है, सब कुछ इंडियन है, इसमें खाओ एंजॉय करो, बाकी देखी जाएगी। वाह वाह वाह, अमेजिंग है, कलरफुल है, क्रिस्पी है, हल्की सी स्पाइसी है, सॉल्ट एंड पेपर का बहुत ब्यूटीफुल सा मिक्सचर है। ट्राई करो ना यार, एक ही रेसिपी में कई रेसिपीज छुपी हुई हैं, पनीर से शुरुआत करो, बाकी आगे पहुंच जाओ।